दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए और फिर वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे T20 मैच के बारे में, जो कि फिलहाल खेला जाएगा 22 सितंबर 8 PM को, ठीक है। और इस मैच में अपनी फंटेसी टीम हम किस प्रकार से बनाएंगे, चाहे वो ग्रैंड लीग या हेडवेड हो, बट यहाँ पर इस वीडियो में पूरा फोकस हम ग्रैंड लीग को लेकर के करने वाले हैं, यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन और फिलहाल किस प्लेयर को अपनी टीम में हमें पिक करना है और जो कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से ग्रैंड लीग टीम का करना है। एंड आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इस मैच में हम ग्रैंड लीग विन कर पाएंगे, क्लीन स्वीप कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपके माइंड में सारे क्वेश्चन हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकें, क्योंकि टॉस के बाद जो फिलहाल अपडेट होता है मेरा वो सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। एंड रिसेंटली आपने देखा फिलहाल हमने मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देकर के गया। और वहाँ पर बात करें जो कि बॉलर्स की, तो सारे के सारे बॉलर्स हमारे टीम में मौजूद थे, जैसे कि लिक्विड हो गया, एंड यहाँ पे जो कि फिलहाल आपको मिलेगा काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर जिसने विकेट निकाली है, सारे के सारे बॉलर्स हमारे टीम में मौजूद थे। उस्मान कादिर को भी मैंने टीम में ले रखा था। अब यहाँ बात करें रिसेंटली अगर परफॉर्म की, तो फिलहाल ठीक ठाक ही था टीम का, बट इस मैच में हम उससे अच्छा करने वाले हैं। गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद सर्च बॉक्स में जाना है, एंड यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च कर लेना है। और जैसे जैसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं। टॉस के बाद के प्रेडिक्शन और फिलहाल फाइनल टीम यहाँ पे आपको मैं शेयर कर देता हूँ, और कुछ भी अपडेट होता है जैसे कि इंजरी अपडेट हो गया तो बैटिंग ऑर्डर सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एंड गाइस आप यहाँ पे रियल डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल लो कंपटीशन में खेलना चाहते हैं, ₹50 में अगर आप फिलहाल 10 टीम बनाना चाहते हैं। और बेनिफिट बता दूँ कि बेनिफिट ये होता है कि आपकी एक दो टीम अगर फ्लॉप भी होती है, फिर भी आपकी कई सारी टीम जो कि होंगी काफ़ी अच्छे रैंक कर पाएंगे, और वहाँ पर हर टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर, और लाखों का प्राइस पूल होता है, और जो कि ₹1,00,000 कम नहीं होते हैं। गाइस बिल्कुल फ्री आपको यही वाला चैनल ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री में कोई आपको बेनिफिट यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेनिफिट तो बढ़िया मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई भी प्राइस आपको देने नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री में आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम इनवाइट लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने लिंक कर रखा है, और यही मेरा ऑफिशियली और फिलहाल पर्सनली अकाउंट है, आप किसी दूसरे अकाउंट में बिल्कुल ही मत जुड़िएगा। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते तो आपको 3 से 4 मैच कवर करना है। जब आप देखेंगे कि आपके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनसे अगर आप मेरी कंपेयर टीम को कराते हैं, तो फिलहाल आपको लगेगा 100-150 पॉइंट्स हमारे उन टीमों से काफ़ी बेस्ट होते हैं, काफ़ी हाईएस्ट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11, तो गाइस प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम होने वाले, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर होता भी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो सेम पिच में ये फिलहाल मैच होने वाला है, और जो कि रिसेंटली आपने देखा ये मैच कराची में हो रहा था, और फिलहाल उसी पिच में फिर से ये मैच होने वाला है। रिसेंटली आप परफॉर्म देखें कि पाकिस्तान ने बैटिंग करी थी बट मैच को विन नहीं कर पाया था, और मैंने पहले ही फर्स्ट जो कि T20 मैच था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि भले ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड में मैच हो रहा है बट भाई यहाँ पर मैच इंग्लैंड ही जीतेगी, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया था। और जो कि पाकिस्तान ने बैटिंग करी और मैच को हार गई, और उस हिसाब से देखा कि यहाँ पर बैटिंग जो कि किस प्रकार से हुई बैट्समैन की, तो इंग्लैंड के सभी बैट्समैन ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। और रिसेंटली आपने देखा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को हमने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया, तो बढ़िया परफॉर्म कर पाए। और इस मैच में अगर हम बात करते हैं तो सेम पिच होने वाली, पेस बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि किस प्लेयर को अपने टीम में हमें रखना है, तो विकेट कीपर सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो फिलहाल दोनों के दोनों ये जो प्लेयर आपको मिलते हैं ये दोनों के दोनों अपनी टीम से फिलहाल ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और मोहम्मद रिजवान तो सभी टीम में होने वाला है, फिलिप साल्ट को लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। विकेट बैटिंग सेक्शन अगर हम जाते हैं तो बबर आजम, एलेक्सेल, डेविड मिलन ये टीम में रहने लायक। और बैटिंग पीछे गए जहाँ पे आपको कम से कम अपने टीम में बैट्समैन ज़्यादा रखने हैं, ठीक है, चाहे वो टॉप ऑर्डर के हों या तो मिडिल के हों, इन दोनों को तो आपको कंफर्म रखना है, मिडिल एंड टॉप के देख के भी काम कर जाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बैटिंग पिचर रिसेंटली भी आपने देखा जैसे कि यहाँ पे फिलहाल मोहम्मद नवाज तक को विकेट नहीं मिली, ना ही मोइन अली का परफॉर्म रहा है, ना ही सैम करन का रहा है, क्योंकि ये दोनों फिलहाल देख के बैट्समैन भी हैं और स्पेल के ओवर भी इनको मिलते हैं, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे आपको बैटिंग ऑर्डर अपना मजबूत रखना, जैसे कि रिसेंटली मैंने आपको प्रोवाइड किया था हैरी ब्रूक तक को हमने रखा था, इस मैच में भी आपको सेम टीम से जाना होगा, ठीक है। बैट्समैन आपको फिलहाल रखने होंगे अपनी टीम में, बैटिंग लाइनअप आपको मजबूत करना होगा, ठीक है। शान मसूद का अगर आप रिसेंटली परफॉर्म देख रहे हैं तो फिलहाल कुछ खास नहीं, बट बैट्समैन अगर आप बात करते हैं तो बैट्समैन ऐसा है कि फिलहाल अगर रन मारेगा तो सभी लोग सोचेंगे कि भाई खास हमने टीम में रख लिया होता, ठीक है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि शान मसूद को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर लीजिए, और ट्राई करने का मतलब ये हो जाएगा अगर आप ट्राई करते हैं शान मसूद को, फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एक ही प्लेयर को रखना पड़ेगा, चाहे तो आप मोहम्मद नवाज को रख लीजिए या सैम करन को आप रख लीजिए या तो फिलहाल मोइन अली को रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 बॉलर्स
मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे। चलिए कोई ना, अगर चार बॉलर से आप नहीं रखना चाहते तो फिलहाल दो ऑलराउंडर तो आप पिक कर लीजिए। मोइन अली बैटिंग ऑर्डर में टॉप पे रहेगा, मतलब टॉप का मतलब ये हो जाएगा मिडिल तो कंफर्म है, और हो सकता है भाई टीम की कप्तानी कर रहा था ओपन करने आ जाए, बट ओपन नहीं करने आएगा, मजाक कर रहा हूँ, चार से पाँच पाँच नंबर के नीचे ही बैटिंग करने आएगा, बट स्पेल क्योर कराएगा, ठीक है। बट ये एक चीज़ में क्लियर करता हूँ, मोइन अली बैटिंग भी कर सकता है, सैम करन का बैटिंग ऑर्डर डाउन रहेगा, बट यहाँ पे सैम करन जो कि तीन से तीन ओवर प्लस कराएगा, ठीक है, स्पेल के मोइन अली हो सकता है दो ओवर कराया, रिसेंटली भी आपने देखा है दो ओवर करा कर गया था, बस एक विकेट यहाँ पे मोइन अली को भी मिली है, सैम करन को मिली, ठीक है। बट मोइन अली का बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा मतलब ऊपर है, बैटिंग भी मिल सकती है, बट अगर आप पिच रिपोर्ट देखते हैं तो भाई पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे मोइन अली अगर आप परफॉर्म देखते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मोइन अली जो कि अगर बैटिंग भी करता है तो ठीक ठाक परफॉर्म आपको देगा, बॉलिंग भी कराएगा तो परफॉर्म आपको करके देगा, तो यहाँ पे आप सैम करन को ड्रॉप कर देंगे, बस अगर आप देखते हैं पिच रिपोर्ट तो पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट डेथ में मोइन अली बैट ओवर करा सकता है स्पेल के, तो इसलिए हम डेथ में रख रहे हैं। अब यहाँ पे वाइज मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद नवाज भी स्पेल के ओवर करा रहा है आप देख रहे हैं, बट कोई विकेट नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे स्पेल क्या ओवर जो कि मोहम्मद नवाज भले कर रहे थे चार, बट परफॉर्म अगर हम देखते तो पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे उस्मान कादिर एक अच्छा बॉलर्स और काफ़ी टॉप क्लास बॉलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा उस्मान कादिर को लेकर गया विकेट, अभी के लिए फिलहाल हम मोइन अली को रखेंगे, हम यहाँ पर मोहम्मद नवाज को भी ड्रॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम पिच है और सेम पिच के जैसा ही पहले मैच के जैसे ये मैच भी होने वाला है, आपको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक्सेप्ट आप कर लीजिए। उस्मान कादिर विकेट को तो हमने रखा था रिसेंटली भी अपनी टीम में, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने गए तो फिलहाल शहनवाज दानी एक विकेट लेकर के गया, आदिल रशीद दो विकेट, एंड हैरिस रऊफ को भी एक विकेट मिली थी, और यहाँ पे आदिल रशीद और फिलहाल हैरिस रऊफ जो कि ये दोनों भाई टॉप क्लास के बॉलर्स हैं, काफ़ी मतलब कि लेजेंड बॉलर्स हैं, तो भाई इनको विकेट तो कन्फर्म है मिलनी चाहे एक ही मिले। नसीम साको भैया हमने टीम में रिसेंटली रख करके बहुत मतलब कि बहुत बुरा सिस्टम कर लिया था फास्ट बॉलर्स को, मुझे जहां तक लग रहा है कि विकेट मिलने के बहुत चांसेस कम रहेंगे, बट धवानी अगर हम देखते हैं, नसीम शाह को देखते हैं, हैरिस रऊफ को देखते हैं, तो भाई ये सारे के सारे फास्टर हैं, ठीक है। तो इनमें से आप नसीम शाह या हैरिस रऊफ में दो में से किसी एक को ही पिक करें, आदिल साथ आदिल रसद को रख लीजिए क्योंकि भाई डेथ में स्पेल कवर कराएगा और विकेट के चांसेस काफ़ी बढ़िया बन जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तो बैटिंग लाइनअप बहुत कमजोर है, ठीक है, टॉप के जो है मोहम्मद रिजवान बाबर आजम यही दो के दो हैं, और बाकी अगर आप देख रहे हैं तो किन्हीं का भरोसा नहीं किया जा सकता, बट इस मैच में शान मसूद के ऊपर आप भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं, तो हैरिस रऊफ को आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। अब यहाँ पे बात करेंगे इस, या तो आप एक चीज़ में ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप हैरिस रऊफ को रखना चाहते हैं टीम में, ठीक है, तो रख लीजिए, नहीं तो आप फिलहाल यहाँ पे फिलिप साल्ट को भी ड्रॉप टीम में रख सकते हैं, बट यहाँ पे फिलिप साल्ट को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको हैरिस ब्रूक को रख करके दी, इसलिए मैं आपको हैरी ब्रूक को लेकर करेगा कि मुझे उम्मीद नहीं लग रहा कि फिलिप साल्ट यहाँ पे रन मारेगा, ठीक है। बट अब अगर आप रिसेंटली परफॉर्म देखते हैं चाहे तो फिलहाल वो इंग्लिश स्टूडेंट ब्लास्ट रहा हो या द हंड्रेड रहा हो, द हंड्रेड में आपने देखा है फिलिप साल्ट काफ़ी बढ़िया परफॉर्म था, एलिक सेल और डेविड मिलन का मैंने क्लियर किया था पहले वीडियोज़ में, फर्स्ट मैच में जो कि था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें भी आपने देखा एलिक सेल और डेविड मिलन को मैंने कहा था कि काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहा, दोनों पर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। हैरिस रऊफ या फिलिप साल्ट किसी एक को आप रख लीजिए, मेरे हिसाब से हैरिस रऊफ को या विकेट मिलना मुश्किल है, बट विकेट मिलेगी तभी यहाँ पर फिलहाल डेथ के बैट्समैन की बैटिंग ऑर्डर आएगी, जैसे कि हैरी ब्रूक है, तो चलिए हम हैरिस रऊफ को रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पावर प्लेम भी और कराएगा, नसीम साको नहीं रख रहे तो हैरिस रऊफ को तो कन्फर्म अपने टीम में रखने वाले हैं। अब यहाँ पे कैप्टन और विकेट कीपर की बात करें तो गाइस यहाँ पे मोहम्मद रिजवान तो सभी लोगों के कैप्टन और मोइन अली के ऊपर भरोसा लोग कर रहे हैं इस मैच में भी, मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि भाई मोइन अली पे आप भरोसा ना करिए, आप चाहें तो गाइस यहाँ पे मोइन अली को ड्रॉप करके मोहम्मद नवाज को रख सकते हैं या तो सैम करन, ठीक है, मैं मोइन अली पे भरोसा नहीं कर रहा इस मैच में भी, क्योंकि भाई यहाँ पे इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं अगर देखेंगे तो एलेक्स हेली कुछ ऐसा आपको बैट्समैन मिलेगा जो कि थोड़ा सा टाइम इस पर खेलता है, मतलब कि समझदारी से खेलेगा, बाकी सारे बैट्समैन ऐसे हैं कि रन अगर अब चेस करने की बारी आई तो फिलहाल एक दो ही बैट्समैन काफ़ी हैं पाकिस्तान के रन चेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बात तो भाई मोहम्मद रिजवान तो एक सेफ प्लेयर रहेगा, जहाँ तक बिल्कुल 80% सेफ रहेगा, कैप्टन के तौर पर अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों का भरोसा अभी एलेक्सेल के ऊपर भी भरोसा बढ़ा है 10% लोगों ने वाइस कैप्टन का रखा है, बट यहाँ पे एलेक्सेल को आप कैप्टन भी कर सकते हैं, टाइम स्पेल खेलेगा और सेकंड इनिंग काफ़ी बढ़िया करेगा, ठीक है, और मतलब जैसे मैंने बताया कि टाइम स्पेल खेलेगा समझदार प्लेयर, 40 गेंद में 53 रन मारा था और उस हिसाब से आपने देखा है एक भी सिक्स नहीं था, यानी कि छक्का नहीं था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मतलब टाइम स्पेल खेलने वाली बैटिंग है, और डेविड मिलन एक हिटर बैट्समैन है, चाहें तो आप कैप्टन भी कर लीजिए, ठीक है, हिटर बैट्समैन फर्स्ट इनिंग खेलेगा सेकंड इनिंग खेलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 गेंदों में 20 रन और यहाँ पे एक छक्का और दो छवे भी पड़े,
तो मतलब उस हिसाब से कह रहा हूँ। और इस पिच में भाई बैटिंग पिच है तो कहीं बैट्समैन को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, बॉलर्स पे आप बिल्कुल भरोसा मत करें, जैसे कि लिक्विड हो गया, उस्मान कादिर, आदिल सदर, हारिस होप, इन पर आप बिल्कुल भरोसा मत करें, ठीक है। लोगों का यहाँ पर भरोसा देख लीजिए, लिक्विड के ऊपर भरोसा बनाए। और ये कब हुआ है गाइस कि जब फिलहाल जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो आउट हुए, तब यहाँ पर लिक्विड को मौका मिला और जो कि विकेट मिली, ठीक है। दित के आपको पता है कि बैटिंग ऑर्डर लाइनअप जो कि दित की है पाकिस्तान की बहुत कमजोर है, दो तीन बैट्समैन के जाने के बाद फिलहाल कुछ खास नहीं बचता। तो उस हिसाब से मेरा सजेशन यही रहेगा इस फिलहाल आप इस मैच में एलिक्सेल, मतलब एक टीम है तो आप अगर फर्स्ट इनिंग इंग्लैंड बैटिंग करती है तो एलिक्सेल एंड फिलहाल डेविड मिलर, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन पर आप जा सकते हैं, एक टीम की बात बता रहा हूँ। और ग्रैंड लीग में ये बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों अगर चल गए तो भाई चलेंगे पहले इस मैच में आप देखिएगा। और शान मसूद को यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखें इस मैच में, शान मसूद को, और एक्स फैक्टर प्लेयर शान मसूद रहने वाला है और रन मारने वाला है, ठीक है। क्योंकि द हंड्रेड में अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल एक मैच फ्लॉप होने के बाद शान मसूद अच्छा खासा बैटिंग जरूर करता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, तब करेंगे गाइस फिलहाल जब आप यहाँ पे इन पे भरोसा मत करिएगा, जब आप इनको करेंगे, बट यहाँ पे भरोसे लायक दोनों के दोनों प्लेयर रहेंगे। दूसरे टीम आप यहाँ पे मोहम्मद रिजवान, शान मसूद को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक ग्रैंड लीग की टीम आपको यहीं पे जाना है, क्योंकि अगर आप ये जाते हैं तो भाई बिल्कुल भेड़ियों के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे ये जाते हैं या तो आप मोहम्मद रिजवान और लिक्विड, तो भाई यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन रहेगा कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान को शायद लिक्विड डे लेकर के चला जाएगा, पेस बॉलर है, पावर प्ले में भी आ सकता है, ठीक है। ग्लेशन की अगर बात करें, रिचर्ड ग्लेशन एक अच्छा बॉलर है, पेस बॉलर है, आप ट्राई करना चाहते कर सकते हैं हैरिस होप के ऊपर, बट हैरिस होप को टीम में रखना ठीक रहेगा गाइस, ठीक है। बाकी चलिए कोई ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट मैं आपको दे दूंगा और फाइनल टीम तो आपको वहीं पे मिलेगी। होप वीडियोस पसंद, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।